सोलन और सिरमौर सीमा पर स्थित वेटनरी फार्मेसी संस्थान जो उनके द्वारा चलाई जा रही गौ सदन द्वारा सुर्खियों में रही। इन गौ सदन में सैकड़ों गायें बर्बरता का शिकार हुई और वहां मौजूद गायों को भूखा रखा जाता था, जिन्हें कई कई दिन बाद अगर खाने को दिया जाता तो सूखी तूड़ी दी जाती थी, जिसकी वजह से उनका स्वास्थ्य गिर चुका था और वो एक एक कर मरने लगी थी। बर्बरता की हद तो यह थी कि मरी हुई गायों को मरने के बाद जो स्थान और आदर मिलना चाहिए था वह नहीं मिलता था, बल्कि उन्हें कर्मचारी घसीटते हुए ले जाते थे और एक बड़े टैंक में खुले में घेर देते थे, जिसकी वजह से वहां कंकालों का ढेर लग चुका था, जिसकी खबर मीडिया को लगी और इस खबर को प्रमुखता से उठाया। विश्व हिंदू परिषद ने इस पर संज्ञान लिया और कार्यवाही की मांग की, जिसके चलते पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने खुद मौके का निरीक्षण किया और जांच बिठाई। आज पशुपालन मंत्री ने विधानसभा में इस संस्था की मान्यता रद्द करने की घोषणा की और ये कहा कि भविष्य में इस संस्थान को सरकार चलाएगी, साथ ही जो दोषी होंगे उन पर सख्त से सख्त कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।